नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश हरजानी मेहसाणा से आपका स्वागत करता हूं। आज आप देख ही चुके हैं मेरे पास नाग है और काफ़ी बड़ा नाग है और ये जगह है स्वागत बंगलो राधनपुर रोड मेहसाणा। अब जब नाग इस तरह सामने देखने को मिलेगा तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ही, इसलिए आप अभी देखेंगे काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और ये एक सामान्य बात है। नाग का या किसी भी तरह का सांप को इस तरह देखने का एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर है ही और ये एक प्राकृतिक ही है और इसीलिए आप देखेंगे कि कई लोग वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग कभी पास आने का सोचते हैं लेकिन फिर दूर चले जाते हैं। नाग है सभी जानते हैं पॉइजनस है, वेनेमस है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना ही उचित है। मैं जानता हूँ किस तरह से हैंडल करना है इसलिए मैं उसको संभाल रहा हूँ। सूचना दी जा चुकी है कि कोई पात्र ऐसा दें जिसमें मैं इसको डाल के ले जा सकूँ, या कोई डिब्बा या कोई थैली मित्रों, और उसकी ही अभी ढूंढ़ान चल रही है और तब तक लोग देख रहे हैं, बच्चों को बुला बुला के दिखा रहे हैं, फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना काम चल रहा है। वैसे मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जिसके घर से या जिसके प्रांगण में यह सांप मिला उसको मैं उसका वीडियो बना के भेजता हूँ ताकि वो लोग भी उस एक्साइटमेंट को फिर से महसूस कर सकें मित्रों। और मेरा काम भी जो है वो अब ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आप देख रहे हैं कि कई लोग हैं जो देख रहे हैं और कुछ लोग गए हैं वो ढूंढने गए हैं, तो एक डिब्बा मेरे हाथ में आ चुका है और डिब्बा आ गया तो समझिए काम आधा पूरा हो गया। और ये डिब्बा इसीलिए मेरे को ठीक रहता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट डिब्बे में सांप को जब फन की तरफ से अंदर डाला जाता है तो उसे यही लगता है कि आगे जाने का कहीं रास्ता होगा और वही मेरे लिए फ़ायदे की बात है। वो आगे का रास्ता ढूंढता है, तब तक मैं उसको पीछे से पूरा पूंछ तक डिब्बे में डाल के पैक कर देता हूँ। कुछ ही मिनटों के लिए वो उसमें कैद रहता है मित्रों, उसके बाद वो चला जाता है उसके नेचुरल हैबिटेट में। हम भी सेफ और सांप भी सेफ। चलिए मित्रों, आज का रेस्क्यू पूरा हुआ, आपसे फिर मिलते रहेंगे। आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। आप जो कुछ भी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं जवाब अवश्य दूंगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।